प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत इस 100वें एपिसोड में 140 करोड़ लोगों के साथ संवाद किया। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश दुनिया के लोगों से संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड पूरा कर लिया गया है। आज 100वें एपिसोड के ऐतिहासिक बनने के लिए पूरे भारतवर्ष में जगह जगह खास तैयारियां की गई थी। इस एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटरों से किया गया है। वहीं बिहार के भागलपुर में भी 150 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खास इंतजाम किए गए थे, जहां लोग मन की बात कार्यक्रम को भारी मात्रा में सुनने पहुंचे थे। भागलपुर की बीजेपी कार्यालय, कई वार्ड, कई प्रखंड व कई स्थानीय होटल में आयोजित की गई। इसी दौरान मन की बात कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हबीबपुर पहुंचे और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की, जहां सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे। वहीं स्थानीय होटल में भागलपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित की गई। वहीं बीजेपी कार्यालय में वर्तमान जिला अध्यक्ष संतोष साह के नेतृत्व में लोगों ने इस लाइव प्रसारण को देखा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत, इको फ्रेंडली आइडिया, स्वच्छता, महिला जागरूकता, शिक्षा की भारतीय विद्या व सांस्कृतिक संरक्षण व संवर्धन जैसी बातों को भारतवर्ष के कई राज्यों के लोगों से किया। मन की बात सुनी है प्रधानमंत्री के, मन की बात लोगों के मन में है, सब समाज के लोग उनको प्यार करते हैं और आज भागलपुर में पूरे जगह हर विधानसभा में कम से कम 100 तो 700-800 ऐसे 1000 से ऊपर मन की बात भागलपुर में इतने जोश के साथ हुई है, इतनी तैयारी के साथ हुई है, मैं सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ।